हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम बनाएंगे मिनीचर ट्रैक्टर। दोस्तों ये बहुत ही पावरफुल है, मैं आपको ये चला के दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों ये ट्रैक्टर मैंने पूरा हैंडमेड बनाया है, और वो भी पीवीसी पाइप के द्वारा। और दोस्तों ये बहुत ही पावरफुल है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा ये कैसे बनाते हैं, ये देख सकते हैं आप। और दोस्तों आपको ये भी बताना है कि ये मैंने कौन सा ट्रैक्टर बनाया है। और दोस्तों ये फुली रिमोट कंट्रोल है, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं। और दोस्तों इसमें बहुत ही ज़्यादा पावर है और फुल रिमोट कंट्रोल काम करता है ये। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो, ये कैसे बनाते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और ये भी आप बता सकते हैं कि मैं आगे क्या बनवाना चाहते हैं आप, और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके लिए बनाने के लिए। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ये दोस्तों हम लेंगे पीवीसी पाइप, ये मैं इसे बीच में से कट कर लूँगा। और दोस्तों इसे गैस पे गरम करके और हम एक टाइल की हेल्प से इसे इस पूरा सीधा करके सीट बना लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और दोस्तों अब हम इसमें से एक पीस कट करेंगे सीधा, जो हमारा चेसी का काम करेगा, ट्रैक्टर की चेसी। और ये दो पीस हैं जिसे हम इस तरह से लगाएंगे। और दोस्तों मेरे कई दोस्त व्यूवर्स ये कह रहे थे कि जो मैंने पहले गियर बना के दिखाया था उससे वो काम करता है या नहीं, आज मैं उसी गियर का यूज़ कर रहा हूँ इसमें। ये देख सकते हैं ये वही गियर है जो मैंने कलर की डिब्बियों से बनाया था, ये इसमें फिक्स कर देंगे शाफ्ट में। और इस पर पीछे दोस्तों एक सपोर्ट लगा देंगे इस तरह से, और इस पर सुपर ग्लू लगा देंगे जिससे ये फिक्स हो जाए और सीधा रहे। ये देखिए, और दोस्तों हमें इस तरह से लगाना है कि ये शाफ्ट एकदम फ्रीली घूमे, और इस पर भी सुपर ग्लू फिक्स कर देंगे इसको, ये देखिए। और इसके साइड में दोस्तों हम सपोर्ट लगाएंगे, इससे पहले हम इसमें एक छोटा गियर लगा देंगे इसके सेंटर में होल करके, ये देखिए। ये दोस्तों पैन का रिफिल का पीस है जो मैंने कट कर लिया है। और ये दोस्तों ये भी वही गियर है जो मैंने स्केच पेन से बनाया था, ये देख सकते हैं आप। इस तरह से इसका साइज ले लेंगे दोस्तों, ये हमें पहले थोड़ा बड़ा रखना है जो पीस हमने काटा था, और उसको उसी हिसाब से फिक्स करना है जब ये फ्रीली एक साथ घूमने लगे, और उस पर सुपर ग्लू लगा देंगे, ये देखिए। इसमें डाल के मैं फिक्स कर देता हूँ इसको। ये दोस्तों हमारा फ्रीली घूम रहा है, अब मैं इसे फिक्स कर देता हूँ। और दोस्तों जो ये साइड का पार्ट है ये हम कट कर देंगे इस तरह से, ये हमारा दोस्तों ये इसमें जो प्ले है ये मैं एक रिफिल जो पेन का सिक्का होता है उससे लगा के इसको क्या कहते हैं बंद कर दूंगा, जिससे ये आगे पीछे मूव नहीं करेगा, ये देखिए। अब दोस्तों मैं बनाऊंगा इसका टायर, ये देख सकते हैं इसका साइज लेके।
और अब दोस्तों हम बनाएंगे ट्रैक्टर के मडगार्ड जो पीछे की साइड लगते हैं, ये देख सकते हैं। ये दोस्तों मैंने छोटे छोटे सारे पीस कट कर लिए हैं और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ किस टाइप से लगाने हैं। ये देखिए, अब दोस्तों हम बनाएंगे एक छोटा सा बॉक्स जिसमें हम अपना जिसमें जो गाड़ी में रिमोट लगाएंगे वो रखेंगे, इसका जो रिसीवर होता है। ये देखिए मैंने ये बॉक्स बना दिया और अब इसमें रिसीवर रखेंगे। और दोस्तों हमें दो छोटे पीस और चाहिए होंगे, ये हम इधर लगाएंगे, ये देख सकते हैं आप आगे की साइड में जिस पे हम ट्रैक्टर का बोनट फिक्स करेंगे। और दोस्तों इस बोनट की जो वीडियो है मैंने अलग से बनाई है जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबी हो जाती काफ़ी। दोस्तों इसे हम कट कर लेंगे क्योंकि यहां पे हम गियर मोटर लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। और एक होल यहाँ करेंगे और छोटा सा यहाँ पे जिस पे हम दूसरी गियर मोटर फिक्स करेंगे। और दोस्तों ये मैं इसमें रिसीवर डाल देता हूँ। ये हमारे वो सारे पार्ट जो हमने बनाए हैं वीडियो में, और एक एक करके हम इसे फिक्स कर देते हैं। दोस्तों इस रिमोट जो है इसमें चार वायरें होती हैं, दो अलग और दो अलग, दो हमारे आगे वाली मोटर में जाएंगे और दो पीछे वाली मोटर में जाएंगे। चलिए मैं फिक्स करके दिखाता हूँ आपको। दोस्तों ये एक पैन का पीस जो हम कट करके इस तरह से अपने पीछे वाले टायर फिक्स करेंगे इस पर। ये देखिए ये मैंने इस तरह से बना लिया है, सॉरी उल्टा लगा दिया था, ये सीधा लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, और दोस्तों इस पर इस तरह से फिक्स कर लेंगे दो होल करके। और ये एक पीस है जो हम गियर मोटर में लगाएंगे प्लास्टिक का, जो हमारे लेफ्ट और राइट मूव करेगा। अब दोस्तों एक बार चेक कर लेते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। और दोस्तों ये रिमोट भी मैंने खुद ही बनाया है, अगर आप चाहते हैं कि रिमोट को कवर कैसे करना है और कैसे बनाना है तो मैं आपको, आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको ज़रूर बना के दिखाऊंगा। अब दोस्तों हम टेप की सहायता से इसे, जो भी हम तारें लगाई थी वायर लगाई थी वो सारी हम कवर कर देंगे टेप से। ये मैंने सेलो टेप का यूज़ किया है, सब पे लगा देंगे दोस्तों जो भी हमारी खाली वायरिंग थी, और हम इस पर बोनट फिक्स कर देंगे। और दोस्तों अब हम बनाएंगे ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट। ये देखिए मैंने दो पीस लिए हैं और एक वायर का टुकड़ा लिया है, और दोस्तों दोनों को फिक्स कर देंगे सुपर ग्लू से, और जो वायर का टुकड़ा है उसे इस टाइप से बना लेंगे और इस टाइप से लगा देंगे, ये देख सकते हैं, और इस पर भी सुपर ग्लू लगा देंगे। और दोस्तों एक छोटा टुकड़ा लेके
हमें इसके साइड में लगाना है इस तरह से, ये देख सकते हैं आप। और ये दोस्तों हमारी बन गई सीट। अब दोस्तों हम इसे फाइनल चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत भी बढ़िया काम कर रहा है। ये देखिए, अब मैं दोनों बैटरी लगा देता हूँ इसमें और इसे ढंग से चला के देखते हैं हम कि ये काम कैसे कर रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये दोस्तों बढ़िया काम कर रहा है हमारा। ये देखिए दोस्तों, ये ट्रैक्टर काफ़ी पावरफुल है और आराम से ये चल पा रहा है। ये देखिए हमारा रिमोट कंट्रोल ट्रैक्टर बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।